दोस्तों, हमारे YouTube चैनल शेखर ट्रैवल प्लस व्लॉग्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक बिल्कुल ही नई साइट पर, जो कि है नालंदा, जो एक प्रसिद्ध बुद्धिस्ट मोनास्टिक विश्वविद्यालय था, पूरे प्राचीन काल का जो मगध था उस समय, और वर्तमान में जो बिहार है उसमें, पूर्वी भारत में। ये इतिहासकारों का मानना है कि विश्व का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था नालंदा, और विश्व के सबसे बड़े शिक्षा के केंद्रों में से एक था प्राचीन काल में। और ये राजगीर के पास में है और 90 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है पटना के, और ये अस्तित्व में था 427 कॉमन एरा से 1197 कॉमन एरा तक। कॉमन एरा सेम है जो कि एडी होता है, एनो डोमिनी। नालंदा ने बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा लिया आर्ट और एकेडमिक्स में, पाँचवें और छठवें सेंचुरी कॉमन एरा में या एडी में। और ये वो पीरियड था जिसको कि विद्वानों ने स्वर्णिम एज या स्वर्णिम युग कहा इंडिया का, तो भारत का स्वर्णिम युग था ये, 5 से 6 सेंचुरी सीई या एडी। नालंदा का निर्माण किया गया था गुप्ता एम्पायर में, और ये बहुत सारे भारतीय और जावा के सहयोग से बनाया गया था, जो कि बुद्धिस्ट थे और नॉन बुद्धिस्ट भी थे। और 750 साल में इसकी जो फैकल्टी थी या संकाय था, उसमें बहुत बड़े बड़े विद्वान थे, जो महायान बुद्धिज़्म के विद्वान थे। नालंदा महाविहार ने 6 प्रमुख बुद्धिस्ट स्कूल्स और फिलॉसफीज को पढ़ाया, जिसमें योगाचार और सर्वस्तिवाद थे, और साथ ही साथ वेद, व्याकरण, चिकित्सा, लॉजिक, गणित, खगोल शास्त्र, ये सब विषय थे। विश्वविद्यालय एक बहुत बड़ा केंद्र था और स्रोत था 657 संस्कृत के पुराणों का, जो कि जो अनजान और 400 संस्कृत टेक्स्ट थे, ये यिनजिंग से चाइना में ले गए थे जो 7वीं सेंचुरी में, और जिससे कि पूर्वी एशिया का बुद्धिज़्म प्रभावित हुआ। और यहाँ पे बहुत सारे जो टेक्स्ट हैं वो महत्वपूर्ण रहे महायान और वज्रयान बुद्धिज़्म के डेवलपमेंट में, विकास में। और महावैरुकाना तंत्र और बोधिसत्व कार्य अवतारा शांतिदेव का जो था वो, उसमें भी महत्वपूर्ण रहे। नालंदा पे आक्रमण हुए और इसको ध्वस्त किया गया मोहम्मद बख्तियार खलजी ने, लेकिन तब भी ये अस्तित्व में रहा दशकों तक, और इसको एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला हुआ है। सन 2010 में भारत सरकार ने एक प्रस्ताव पास किया और इस विश्वविद्यालय को पुनर्जागरण किया और एक समकालीन संस्थान नालंदा विश्वविद्यालय को बनाया गया राजगीर में, और इसको दर्जा दिया गया इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस भारत सरकार द्वारा। नालंदा जो है ये 16 किलोमीटर राजगीर से उत्तर में है, और जैसा हमने बताया 90 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है पटना के, और इसको NH 31, 20 और 120 भारत के हाईवे नेटवर्क से जोड़ते हैं।
और ये बोध गया से भी नजदीक है, लगभग 80 किलोमीटर है उत्तर पूर्व में। और बोध गया जो एक और बुद्धिस्ट साइट है इम्पोर्टेंट, ये नालंदा का साइट लंबे एरिया में फैला हुआ है, इसको आप देखने जरूर जाइए। और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अंत तक देखिए। सब्सक्राइब करने पर जो घंटी का बटन आए उसे दबाइए फॉर ऑल नोटिफिकेशंस, जिससे आपको वीडियो अपलोड होकर सूचना मिल जाए। सभी वीडियो देखिए, लाइक कमेंट और शेयर जरूर करिए। और हमारे हर वीडियो के नीचे सुपर थैंक्स का टैब है, उसे ज़रूर दबाएं और सुपर थैंक्स खरीदें, क्योंकि ये डायरेक्टली हमारे चैनल को सपोर्ट करता है। तो सुपर थैंक्स खरीद के हमारे चैनल को डायरेक्टली सपोर्ट करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, हर हर महादेव।